हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी, दिस साइड ऋषभ। तो आज का जो वीडियो होने वाला था वो बेसिकली हम आपको पतंगबाजी दिखाने वाले थे, बट हम ग्राउंड पे आए हैं लेकिन आज हवा ही नहीं है, तो वीडियो तो बनाना है। तो आज हम कलेक्शन दिखाएंगे आपको जितने प्लेयर्स हैं उनका, और उसमें थोड़ा सा जो बेसिक्स थे पिछले वीडियोज़ में लोगों के कमेंट्स ये थे, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी तो वो चीज़ें भी क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा कलेक्शन दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ प्लेयर्स से मिलवाएंगे। मैदान भी काफ़ी अच्छा है लेकिन हवा जो है, हवा की वजह से गेम लड़ नहीं पा रहा है। बेसिकली दिखाने तो हम गेम ही आए थे तो इस वजह से गेम नहीं हो पा रहा है, प्लेयर भी जाने ही वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ प्लेयर्स से आपको मिलवाएंगे, उसके बाद आपको पतंगे दिखाएंगे, कौन सी पतंग कौन से मतलब की है, दूर के पेज की है कि पास के पेज की है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस वीडियो में और क्लियर करें हम। तो चलिए हम वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ खिलाड़ियों से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये अदनान भाई हैं, और ये हाजी अदनान जी हैं। हाजी जी को तो आप जानते हैं बट अदनान भाई को नहीं जानते, तो शाविज़ भाई मिलवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे अदनान भाई? और कर ये हमारे अदनान भाई कानपुर के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये, और इनका क्लब है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन से आज गेम लड़ रहा था इनका, कौन सा क्लब था आपका? किंग्स काइट क्लब वर्सेस ब्लैक स्टोन। और हवा नहीं है तो ये सब देखिए, टीम ये बैठी है, ये ब्लैक स्टोन है और ये सब किंग्स के मेंबर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, माशाल्लाह कई बार हवा सोल ये चला चुके हैं हमारे चैनल पर। और ये हैं हाजी अदनान, शायद आप लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे। आज ये देखिए माशाल्लाह कितनी थोड़ी निकाल दी, खतरनाक बिल्कुल डाई वाई लगी हुई है, बिल्कुल मतलब माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज ये। तो अभी कुछ हाजी जी आपको ज्ञान भी देंगे। और ये हमारे पीयूष भाई हैं, और ये हमारे तहरीम भाई हैं, ये भी किंग्स काइट क्लब के ही मेंबर हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से और आपको कुछ कलेक्शन दिखाते हैं। मैदान देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, और इस खूबसूरत मैदान में हमारे जो तहरीम भाई हैं, देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ब्लू कलर की एक टी शर्ट पहने, कितनी खिल रही टी शर्ट, माशाल्लाह कैप भी बड़ा इनका खिल रहा है। और हाजी जी तो आज कितने खिल रहे हैं, तो बस ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। देखिए माशाल्लाह मुस्कान, देखिए हाजी जी की, अदनान भाई का एक बैग है, आज हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी पतंगे हैं, किन किन कारीगरों की पतंगे हैं। और इमरान भाई अभी पेज पे जा रहे हैं, इनका बैग पीयूष भाई दिखाएंगे। और ये इमरान भाई ने अपनी पतंग एक तैयार कर ली है, इमरान ने पतंग दिखाई है, बड़ी खूबसूरत पतंग है और टेपिंग बहुत अच्छी है आपकी। ये पतंग है किस कारीगर की पतंग है इमरान भाई? फहीम की, ये फहीम मुरादाबाद, बड़ी अच्छी पतंग है, छोटे पेज की बहुत शानदार पतंग है। और ये इमरान भाई जा रहे हैं पेच करने, बाद में आपको इमरान भाई से मिलवाते हैं। अभी फ़िलहाल एक बैग ओपन हुआ है और इसको पीयूष भाई बताएंगे। पीयूष भाई दिखाई दे रहा, कुछ पतंगे दिखाइए भाई। फहीम का लंबा फरमा है, फहीम मुरादाबाद, बिल्कुल ये लंबे फरमे की पतंग है जी। तो देखिए इसके कन्ने इमरान भाई ने कैसे बांधे, बहुत ही शानदार तरीके। इस कन्ने के बेनिफिट बता दीजिए, इसमें एक इसका कन्ना देखिए, इन्होंने वाला कन्ना बांध रखा है, ऊपर गाठियां लगी हुई हैं, ऊपर दिखाइए दिखाइए, ऊपर गाठियां लगी हुई हैं जी, और नीचे से बना हुआ है कन्ना, ध्यान देंगे आप। इसके बेसिक बताइए, इससे पतंग दौड़ अच्छी होती है और झोल नहीं मिलता है, झोल बहुत नीचे रहता है इसका, और दौड़ती बहुत तेज है। ये पतंग खास करके तैयार करी गई है छोटे पेज के लिए, नीचे के पेज के लिए, और इसमें पतंग में देखिए तेज हवा में और कारगर है ये। हाँ ये कन्ना सिर्फ तेज हवा में ही बांधा जाता है। और देखिए आप, पहले इमरान भाई ने इसको यहाँ से फिक्स किया, देखिए आप दोनों साइड से, ये देखिए इसको पहले फिक्स किया गया, फिक्स करने के बाद फिर कन्ना नीचे से बांधा गया। ऐसे अगर इसको फिक्स नहीं करेंगे तो कमानी भागेगी, ऊपर नीचे भाग जाएगी, पतंग उड़ेगी ही नहीं, चाल फेर नहीं करेगी, उड़ेगी ही नहीं पतंग भाई। तो ये देखिए एक पतंग इमरान भाई तैयार की, ये बरेली की पतंग है, एसएम बरेली की। अच्छा ये फरमा बताइए कौन सा फरमा है? लंबा फरमा है, छोटे पेज का लंबा फरमा है, ये छोटे पेज का लंबा फरमा है, ये फहीम मुरादाबाद, और ये सब फहीम भाई की पतंगें लगी हुई हैं, फहीम मुरादाबाद देख सकते हैं आप, उनका थोड़ा रेंज वाला फरमा है, अच्छा फरमा, थोड़ा रेंज में खींच कर से लड़ता है फरमा, और बहुत ही शानदार कमानी पे है, कमानी खड्डा देख सकते हैं आप, बेहतरीन पतंग, ठीक है बेहतरीन खड्डा। ये सारी पतंग है फहीम मुरादाबाद की, मुरादाबाद ये पतंग निकाली जा रहा था, ये पतंग है हमारे कानपुर के भैया दुरमुट की, ये भैया दुरमुट की पतंग है, पतंग कलकत्ता की कमानी लगी हुई है इस पे, कलकत्ता कमानी इसकी, कलकत्ता की इसकी कलकत्ता कमानी की पतंग है, देखिए बहुत शानदार पतंग है, चौबारा स्पेशली, चौबारा के लगाने के लिए बहुत अच्छी पतंग लगाई है चौबारा में,
देखिए चौबारा का है फरमा, फरमा देखिए पहले कितना शानदार फरमा है, बिल्कुल कलकत्ता की कमानी लगी हुई है इस पे पूरी, बिल्कुल सीखी बेहतरीन। इसकी इसकी खासियत बताइए पतंग की, ये पतंग पतंग लोड बहुत लेता है, वो बहुत अच्छी रेंज में लड़ता है पतंग ये। हाँ, और चौबारा के लिए खास करके ये भैया भाई ने बनाया है पतंग, हमारे कानपुर के हैं भैया दुरमुट, चौबारा पेज के लिए बहुत ही अच्छा फरमा है। ये भी वही पतंग है सारी, ये भी चौबारा के लिए इस टाइप के फरमे बहुत ही कारगर साबित होते हैं, और लंबा फरमा जैसे कि ये होता है कि छोटे ही पेज में मतलब ज़्यादा कारगर रहता है। और पतंगे फहीम मुरादाबाद की, फहीम भाई की पतंग है, फहीम मुरादाबाद, ये सब छोटे पेज की बहुत अच्छी पतंगे हैं। ये भी चौबारा की पतंग, हाँ ये भी चौबारा वाली पतंगे हैं, ये भी शायद वही फरमा है ना पीयूष भाई? हाँ वही फरमा, शानदार पतंग है, बहुत ही शानदार फरमा। ये पतंग किसका बड़ा खूबसूरत है, इमरान भाई की नया पतंगे हैं ये, इमरान भाई की बहुत ही प्यारी पतंग है भाई, देख सकते हैं क्या पतंग है माशाल्लाह, वाह। किस कारीगर की इमरान भाई पतंग है? ये सब इलाहाबाद की पतंग है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड पतंग है, मेरे दिलेर खान साहब है, क्या पतंग है भाई, वाह। इस पतंग को हमारे इमरान भाई दिखाएंगे, इमरान ने पतंग बताइए, जगदीश जगदीश की पतंग है भाई, इस पतंग की कुछ खासियत बताइए जी। इमरान भाई का कहना है इसको कहीं भी लड़ा दीजिए, दूर का मतलब इसको चाहे जिस रेंज में पतंग लड़ा दीजिए, पतंग बहुत ही शानदार है, क्या पतंग है देखिए। गोल फरमा स्पेशल दूर के लिए ही होता है, और फरमा देखिए कमानी खड्डा देखिए पहले कितना शानदार पतंग, और ये देखिए, ये देखिए आप, ये मोहर है पतंग की, और फरमा तो आपने देख लिया, कमानी खड्डा देखिए कितना प्यारा लगा हुआ है। अर्शद छुट गई तेरे हाथ से, ये कुछ कलेक्शन था छोटा सा जो मैंने आपको दिखा दिया, और आज जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनना था वो टॉपिक आज अधूरा रह गया, क्योंकि मैदान में आज हवा थी नहीं, तो हमको पेज दिखाने थे कुछ आपको नीचे के और ऊपर के, मार दे बस शाबाश। तो चलिए आपको थोड़ी सी हवा आ गई है, आपको कुछ पेज दिखाते हैं आज, पहले आपको नीचे के पेज दिखाते हैं, नीचे के पेज फिर आपको बाद में ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर के पेज पहले आपको सारे पेज आज नीचे के दिखाएंगे। जा बेटा जिसको जाना हो। हवा आ गई है, हवा बिल्कुल नहीं थी, एकदम से हवा आ गई है, देखिए अभी सारी पतंगे मैदान में लग गई हैं, देखिए सारी पतंगे उड़ के जा रही हैं, ये देखिए आप, हवा थी नहीं, बिल्कुल हवा नहीं थी, एकदम से हवा आ गई है, तो पतंगे मैदान में लग गई हैं, ये हमारे तहरीम भाई ने पतंग बढ़ा ली है, ये देखिए हाजी अदनान खड़े हैं पतंग उड़ा रहे हैं, ये पीयूष भाई खड़े हुए हैं, और ये इमरान भाई अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं। चलिए कुछ आपको पेज दिखाए जाते हैं आज नीचे के, भाई अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, देखिए इमरान भाई हमारे पतंग इमरान भाई ने तैयार कर ली छोटे पेज की, और ये देखिए पतंग इनकी उड़ के चली गई है, शायद आपको दिख रही होगी, ये जूम करते हैं थोड़ा सा, ये पतंग इमरान भाई की लगी हुई है, और सबसे पहले आप ग्राउंड देखिए कितना शानदार है, ये कितना प्यारा ग्राउंड है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे फुटबॉल ग्राउंड होता है, चाहे जहां लड़ा दिए पतंग, पतंग मैदान के अंदर ही रहती है, कम से कम इस ग्राउंड के अंदर 50 गोल आराम से लड़ जाते हैं, ये ट्रांस गंगा सिटी का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कम से कम 50 गोल लड़ते हैं, देखिए आप आगे पीछे कई मैदान लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए आप लोग चारों तरफ से आपको घुमा के दिखा दिया, देखिए कितना आलीशान, कितना बढ़िया, कितना शानदार ग्राउंड है ये, देखिए इमरान भाई अभी पेज पर चले गए हैं, अपने पेज की तैयारी पर हैं, हवा आ गई है थोड़ी देर के लिए, काफ़ी देर से हवा डामाडोल हो रही है, हवा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए शायद हवा आ गई है, एक दो पेज दो चार पेज तो हो ही जाएंगे। ये हाजी अदनान को देखिए, ये हाजी जी हैं हमारे, और ये एनआरके ब्लैक कमांडो मेरी शॉप का चरखा उड़ा रहे हैं, ये देखिए ब्लैक कमांडो ब्रांड, ये ब्लैक कमांडो है एनआरके का, ब्लैक कमांडो हाजी जी हैं, ऊंचा ब्रांड है सबसे, जी सबसे ऊंचा ब्रांड है ये ब्लैक कमांडो उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा ढोल है, कुछ इसका रिजल्ट बताइए हाजी जी, हाजी जी जी कुछ इसका रिजल्ट बताइए, लड़ाया अभी नहीं लड़ाया, उड़ाया था इसको, उड़ाई थी, कै काटी, एक पहली फिरकी इसकी उड़ाई थी तो उसमें तकरीबन 7 या 8 पेज काटे हैं, एक फिरकी तो उसके बाद दूसरी फिरकी चल रही है, पतंग काट के बराबर उतार रही है, और अब ये हवा की वजह से जो है
थोड़ा सा जो है अभी नमी लिए हुए, लेकिन डोर बहुत अच्छी काम कर रही है। हर मौसम में हर हवा में लड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। नारके की डोर जी जी फंस के भी लड़ रही है और माल ढाल के भी लड़ रही है, दोनों घर लड़ा रही है, बहुत अच्छा लड़ा रही है। तो ये एनआरके की डोर का एक छोटा सा रिव्यू था जो हाजी जी ने बताया। और आपको देखिए डिटेल में हाजी जी ने बताया कि ये जो कलर है ये कलर आप किस हर मौसम में लड़ा सकते हैं। और ये दूसरी फिरकिन की यहाँ से स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी डोर है ये डोर हाजी जी की है। तारीफ की जाए कम, एक सी साफ सुथरी डोर है और अच्छी डोर। बिल्कुल बिल्कुल हाजी जी डोर बहुत अच्छी बनाते हैं एनआरके। तो ये देखिए आप अभी हाजी जी ने आपको अभी मांझे का रिव्यू दिया एनआरके का। अब चलिए आगे से एक खिलाड़ी लड़ा रहा है पतंग, नीचे का पेच लड़ा रहा है खिलाड़ी, और आपको चल के उसका पेच दिखाते हैं नीचे से। और उसके बाद शायद पीयूष भाई पेच के लिए तैयार हैं, हाजी जी भी तैयार हैं, और तहरीम भाई बैठे हुए हैं हमारे, इमरान भाई भी देखो तैयारी कर रहे हैं। तहरीम भाई का ये पतंग लगा, इनकी ये दौड़ जा रही है। ये देखिए तहरीम भाई के हाथ में ये पतंग, सबके हाथों में पतंग है। पतंग देखिए, पतंगबाजी देखिए कितनी फास्ट है, जितने खिलाड़ी हैं हर खिलाड़ी के हाथ में पतंग लगी हुई है। ये आनंद भाई खड़े हैं हमारे, अरशद आगे से पेज लड़ा रहा है, अरशद का पेज दिखाते हैं आपको नीचे का। चलिए दोस्तों आपको पेज दिखाते हैं, ये देखिए आप पेज, ये पेज हो रहे हैं। और पीयूष भाई की साइड से जो खिलाड़ी है वो नीचे से लड़ा रहा है, अरशद नीचे से लड़ा रहा है, जो अभी आगे मैंने आपको दिखाया था खिलाड़ी आगे गया था, ये पतंग नीचे से लड़ रही है। और ब्लैक स्टोन काइट क्लब जो लड़ा रहा है वो ब्लैक स्टोन का पेच ऊपर से है। और एक पेच जो पीयूष भाई की साइड से किंग्स काइट क्लब, ये नीचे से है, ये किंग्स काइट क्लब देखिए नीचे से चढ़ा, ये देखिए पेच, ये देखिए आप ये पेच, ये नीचे से चढ़ा। और ये ऊपर वाला खिलाड़ी देखिए ये और चढ़ के अंदर आया, ये देखिए ऊपर से अंदर आया। और ये देखिए पेच, ये अरशद ने एक बुड्ढा और डाउन किया, और ये देखिए ऊपर वाले ने गिद्दा बनाया, चक्कर दे रहा पतंग, ये ऊपर वाले ने रखा और ये मारा ऊपर से, और अरशद ने खींचा सलंग बाहर, और ये अरशद ने खींच के पतंग काट दिया। अरशद दो पेच काट चुके हैं, एक पेच हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो देखिए बहुत ही शानदार खींच के काटा है, और ये पतंग देखिए जा रहा है नीचे, ये कट के जा रहा है, ये पतंग बच्चों ने पकड़ लिया आगे से। अरशद भाई ने पेच काट दिया, दो पेच काट दिए, पर मैंने एक ही पेच दिखाया अरशद भाई का, और दूसरा पेच पतंग फिर दूसरा पतंग पेच पे आ गया है दोबारा से। ये देखिए अरशद भाई खड़े हैं, और ये जो टीम खड़ी है ये ब्लैक स्टोन खड़ी है, ये जो फट्टा है ये किंग्स काइट क्लब है, और ये देखिए आप ब्लैक स्टोन खड़ी है, ये ब्लैक स्टोन के फट्टे से पतंग उड़ के जा रही है। जूमिंग वापस करते हैं, ये देखिए ये पतंग उड़ के जा रही है ब्लैक स्टोन से, और ये फट्टा है किंग्स काइट क्लब का, किंग्स काइट क्लब का खिलाड़ी ये देखिए खड़ा है, ये किंग्स काइट क्लब की तरफ से अरशद भाई आगे से लड़ा रहे हैं पेच। और पीछे से खिलाड़ी जो लड़ा रहा है वो खिलाड़ी देखिए ये खड़ा हुआ है, ब्लैक स्टोन की तरफ से ये खिलाड़ी खड़ा है पीछे से लड़ाने के लिए, ये ऊपर से लड़ाएंगे, आगे का पेच अरशद भाई लड़ाएंगे। और ये देखिए पेच सही हो गया है, फिर से पेच सही हो गया है, और ये देखिए अरशद चढ़े नीचे से, और अरशद फिर खींचा, और ये देखिए जा रहा है, ये जा रहा है, और ये पतंग काट के उनका ऊपर आ गया, पतंग नीचे से अरशद भाई ने खींच के काटा है। असल में डिस्टर्बेंस ये है कि कई कई पतंगें यहाँ पे लगी हैं बिल्कुल पेच के करीब, और दो दो टीमों का गेम लड़ रहा है एक ही जगह पे। ये देखिए दूसरा पतंग लगा हुआ है यहाँ पर, ये पेच अब लड़ेगा अरशद भाई का, फिर से अरशद भाई का तीसरा या चौथा पेच लड़ने जा रहा है। दोस्तों कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था तो पतंग मैं आपको पेच मैं आपको दिखा नहीं पाया, और अरशद भाई ने पाँच काट दिए, छठा पेच लड़ रहा है अरशद भाई का, पतंग नीचे से लड़ रहा है, ये देखिए नीचे से चल रहे हैं ऊपर, और ये देखिए ऊपर से ऊपर वाले खिलाड़ी ने मुड्ढा रखा, और ये देखिए ऊपर वाले ने दबाया, अरशद भाई ने उल्टा नीचे ही दिखा दिया है। ये देखिए आप, ये ऊपर से खिलाड़ी अंदर को आया, और ये अरशद भाई ने नीचे से चढ़े, ये ऊपर वाला खिलाड़ी चक्कर रख के मारा ऊपर वाले ने, और ये देखिए अरशद भाई ने खींच लिया सलंग ऊपर, ये काट दिया, देखिए आप ये पतंग जा रहा है
ये छठा पेज अरशद भाई ने काट दिया, काट के पतंग अरशद भाई का ये ऊपर, बहुत अच्छे पेज लड़ा रहे हैं अरशद भाई खींच के। सातवां पेज लड़ेगा अब, और ये देखिए पतंग पकड़ गया, आगे बच्चे ने पकड़ लिया पतंग, पतंग ये उतर रहा है, और ये देखिए आप अरशद भाई का पतंग आसमान में लगा हुआ है। सातवां पेज लड़ेगा, छह पतंगे अरशद भाई ने सलंग काट दिए नीचे से। अगले सप्ताह से आपको इंशाल्लाह पतंग के बेसिक्स बताए जाएंगे, जो कि जैसे कि किसी का पतंग कटा वो क्यों कट गया, ऊपर वाले ने कैसे काट दिया पतंग, और उसकी क्या गलती रही कटने वाले की, नीचे से खिलाड़ी क्यों कट गया या ऊपर से खिलाड़ी क्यों कट गया, उसका मुड्ढे में क्या कमी रही, खींच में कमी रही या कहाँ पर क्या कमी रही, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आज कुछ दूसरा टॉपिक था हमारा वीडियो बनाने का, पर वीडियो उस टॉपिक पे बन नहीं पाया, तो कुछ आपको अब मैदान आए हैं तो कुछ पतंगे दिखा दी गई आपको और कुछ पेज भी दिखाए जा रहे हैं, तो चलिए कुछ पेज फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए ये सातवां पेज लड़ने जा रहा है अरशद भाई का, पेज सही हो गया है, थोड़ा सा रेंज खुल गई है पतंग पेज की। ये देखिए ये पतंग लड़ रहा है सातवां, ये पतंग जो चक्कर खा रहा है देखिए नीचे, ये पतंग नीचे से अरशद भाई का, और ये पतंग देखिए आप ऊपर से, ये पतंग ऊपर का है, ये देखिए ये अरशद भाई नीचे से चढ़े अंदर, ये अरशद भाई ने पट किया और ये ऊपर वाले ने थोड़ा सा शायद करना मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले, तो अरशद भाई अपने पतंग को झुका के बचा लिया उन्होंने, और ये बाहर कर रहे हैं पतंग। पेज देखिए हो रहा है अरशद भाई का, सातवां पेज लड़ रहा है ये, और ये पतंग देखिए चक्कर खा रहा नीचे वाला अरशद भाई का, और ये पतंग ऊपर से जो टीम लड़ा रही है ब्लैक स्टोन का पतंग ये ऊपर वाला है, और किंग्स काइट क्लब अरशद भाई का पतंग ये नीचे वाला है। ये देखिए पतंग सही हो गया है, लड़ रहा है पतंग, पेच हो रहा है, और ये अरशद भाई ने चक्कर दे के एक मुड्ढा अंदर को चढ़े, और ये देखिए ऊपर वाला पतंग अभी चला रहा है, मुड्ढा रख नहीं रहा ऊपर से खिलाड़ी, और ये देखिए अरशद भाई ने एक मुड्ढा और धीरे से अंदर, और ऊपर का जो खिलाड़ी है उसने वो पतंग अपना ऊँचा कर लिया है, मुड्ढा रखा नहीं है, और ये देखिए आप अरशद भाई धीरे धीरे पतंग को चलाते हुए और अंदर को बढ़ते हुए, लेकिन खिलाड़ी ने शायद कन्ना काट दिया अरशद भाई का, पूरा मुंह कट गया अरशद भाई का। सातवां पतंग अरशद भाई नहीं काट पाए, सातवां पेच उन्होंने बचा लिया है अपना, और अरशद भाई का ये एकदम मुंह से पतंग कट गया। तो चलिए दोस्तों अब आपको दूसरी साइड के पेज दिखाते हैं, अब हम आपको लेफ्ट साइड से दिखाएंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक स्टोन ने काटा था, ब्लैक स्टोन नीचे से लड़ा रहा है, और ये देखिए ऊपर से गिद्दा मार दिया, ये ब्लैक स्टोन के गिद्दा पड़ गया, जो पतंग अभी अरशद भाई को जिसने काटा था उसके ये गिद्दा पड़ गया, ये पतंग काटा है इमरान भाई ने शायद, ये इमरान भाई ने पतंग काट दिया, ये गिद्दा मार दिया इसके, ये पतंग जा रहा है कट के, ये पेज लड़ने जा रहा है आप देखिए, पीयूष पेज लड़ने जा रहे हैं, पीयूष का पतंग ये देखिए आप, ये पतंग नीचे वाला पीयूष का है, हम सारे पेज आपको नीचे के ही आज दिखाएंगे। ये पेज देखिए नीचे का लड़ रहा है पीयूष भाई, ये नीचे से चढ़े और पीयूष भाई ने देखिए पतंग चमकाया, और ये देखिए खींच दिया और डोर फेंक दी यहाँ पे, और ये ऊपर से खिलाड़ी ने मारा और ये साइड मारा पीयूष ने, और ये पतंग देखिए कहाँ पे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आया, और ये पतंग फांद के आ गया है, ये काट दिया पतंग, बड़ा ही खूबसूरत पेच काटा पीयूष भाई ने, बहुत ही अच्छा, और पूरा अंदर से जाके झोल जाके उठा लिया पीयूष भाई ने अंदर से, और लागे फंदा के जैसे ही साइड रखा और दो चक्कर दिए, पतंग सामने वाले का कट गया, बहुत खूबसूरत पेच पीयूष भाई ने काटा। ये दूसरा पतंग पीयूष का सही हो गया है, देखिए पेच ये नीचे से पतंग देखिए, ये पीयूष भाई का है, ये जूम करते ये पेच पीयूष भाई का, और ये पतंग ऊपर वाला पीयूष भाई ने चमकाया, ऊपर से उसने मारा गिद्दा और ये फिर साइड मारा पीयूष भाई ने, और ये काटा, बहुत ही अच्छा प्यारा बहुत ही खूबसूरत पेज पीयूष भाई ने काटा। ये पतंग कट के जा रहा है नीचे से, ये देखिए ऊपर वाले ऊपर से जो खिलाड़ी लड़ा रहा था ब्लैक स्टोन की तरफ से, उसका पतंग ये कट के जा रहा है, और ये पीयूष भाई का पतंग लगा हुआ है। ये पेज पीयूष भाई का तीसरा पेज होने जा रहा है, ये पीयूष भाई देखिए नीचे से लड़ाएंगे फिर से, ये पीयूष का पतंग नीचे से, नीचे वाला पतंग पीयूष भाई का है,
और ऊपर वाला पतंग ब्लैक स्टोन के साइड से है। नीचे का पेच फिर से पीयूष भाई लड़ाएंगे। ये पतंग देखिए नीचे वाला पीयूष भाई का, और ऊपर वाला जो पतंग है वो ब्लैक स्टोन का है। और ये मुड्ढा पीयूष भाई ने एक बार फिर से अंदर का रखा और ये चढ़े अंदर। पेच सही हो गया है। ये पीयूष भाई अंदर चढ़ते हुए, ये पीयूष भाई ने चमकाया, खींचा ऊपर और रोका हाथ, फिर से पट किया एक बार। एक मुड्ढा फिर से अंदर की तरफ पीयूष भाई, और खिलाड़ी बीच में नहीं आने के बजाय पीयूष भाई के शायद मुंह की तरफ बढ़ रहे हैं वो। और ये पीयूष भाई को देखिए आप, काफ़ी अंदर तक चढ़ गए हैं। और ये ऊपर से खिलाड़ी ने मुड्ढा रखा, ये पीयूष भाई ने चमका रहा, पीयूष भाई चमका ही रहे, वो फिर काट दिया पीयूष भाई ने। क्या पतंग काटा, बहुत अच्छा साइड मारी है, सलंग पूरा बाहर खींच के साइड मार दी, बेहतरीन पेच, ज़बरदस्त पेच काटा है पीयूष भाई ने। ये देखिए पीयूष भाई यहाँ से लड़ा रहे हैं। ये पीयूष खड़े हैं, देखिए ये देखिए, अब जूम किया मैंने तो आपको दिखा होगा। ये देखिए मरून कलर की टी शर्ट में पीयूष भाई हैं, ये पेच काट करके खड़े हुए हैं। और ये ब्लैक स्टोन का बगल में फट्टा रखा हुआ है, ये पीयूष भाई खड़े हैं और पीयूष भाई का फट्टा ये रखा है। देखिए ये जो वाइट वाली गाड़ी है ये पीयूष भाई का फट्टा है, और ये पीयूष भाई हैं, ये ब्लैक स्टोन है, और ब्लैक स्टोन का खिलाड़ी जो लड़ा रहा था अभी जो कटा है वो यहाँ पे खड़ा था। ये देखिए ये ब्लैक स्टोन का खिलाड़ी है जो अभी कटा है, और ये पीयूष भाई हमारे। बेसिकली आज का जो वीडियो था हमारा वो सिर्फ नीचे के पेच का था, आज हमको सिर्फ नीचे के पेच दिखाने थे आपको, पर हवा थी नहीं सारा दिन मैदान में, तो बस लास्ट में जो भी पेच हम दिखा पा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कुछ पेच जल्दी जल्दी जो भी हो जाए वो दिखा देंगे आपको हम। अगले हफ्ते से आपको पेच भी दिखाएंगे, उसकी डिटेल पूरी समझाई जाएगी, आपको बताई जाएगी, उसके बेसिक्स सारे समझाए जाएंगे पेच के, कौन सा पेच कैसे कटा, कौन से खिलाड़ी ने क्या गलती करी जो वो कट गया, कौन सा मुड्ढा कटा, किस मुड्ढे ने काटा, कौन सा मुड्ढा ज़्यादा कारगर रहा। तो ये सारी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जो हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। जो देखिए एक पतंग ये लड़ रहा था पीछे, दूसरा गोल उसका पतंग ये कट गया, ये पतंग जा रहा है कट के। अभी पीयूष भाई का पेच आने वाला है, तो आपको पीयूष भाई का पेच दिखाएंगे, शायद पांचवा पेच पीयूष भाई का लड़ने जा रहा है। पीयूष भाई ने जगह बना ली है अपनी, फिर से यहाँ से खड़े होकर लड़ाएंगे पीयूष भाई, और ये खिलाड़ी खड़ा है दूसरा, ये देखिए आपको दिखेगा, ये देखिए ये खिलाड़ी अपनी जगह बना रहा है, ऊपर के पेच की जगह ये खिलाड़ी बना रहा है, और ये पीयूष भाई ने अपनी जगह बना ली नीचे के पेच की। अब पेच होने जा रहा, पेच तैयारी पर है, चलिए आपको पेच दिखाते हैं। पीयूष भाई का ये शायद पांचवा पेच लड़ने जा रहा है, चार पेच पीयूष भाई ने काट दिए, अब ये पेच जो लड़ेगा ये पांचवा पेच है पीयूष भाई का। और ये पीयूष भाई का पेच तैयारी पे पीयूष भाई ने, ये देखिए ये पीयूष भाई नीचे से चढ़े फिर से, और ये पीयूष भाई देखिए, ये देखिए ये पेच हो रहा पीयूष भाई का, नीचे से पीयूष भाई ये चढ़े अंदर को, ऊपर का खिलाड़ी अभी मुड्ढा नहीं रख रहा है, और पीयूष भाई अंदर को बढ़ते हुए, और ये देखिए पीयूष, एक मुड्ढा और पीयूष भाई अंदर को, और ऊपर का खिलाड़ी मुड्ढा नहीं रख रहा है, वो और आसमान पे चला गया। पीयूष भाई का, ये पीयूष भाई का पतंग है, चक्कर जो खा रहा नीचे से, ये देखिए आप, मैं पीयूष भाई के हैंड पर ही खड़ा हूँ। पीयूष भाई देखिए चक्कर देते हुए अंदर को बढ़ते हुए, और ये ऊपर वाले खिलाड़ी ने रखा पूरा मार दिया, और पीयूष भाई के ऊपर रख के चक्कर दे दिया, बस पीयूष भाई ने खींचा और पीयूष भाई कट गए। बहुत ही अच्छी टाइमिंग रही ऊपर वाले खिलाड़ी की, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया उसने पीयूष भाई का। पीयूष भाई चार पतंग काट कर कट गए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि क्या हुआ कैसे हुआ, जितना मटेरियल था पूरा देखा, थोड़े अगर शाविद भाई पेज भी दिखा पाए हूँ, तो बेसिक जो हमारा मेन मोटो था, जो हमारा हर सैटरडे आता है ज्ञान की बातें, तो उसमें ये था कि हम आपको थोड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं। बट आज के दिन में हम आए तो सारे नीचे के पेज के ही, जितने भी नीचे के पेज होते हैं कैसे लड़ते हैं, क्या करें, कैसे दूसरे के पेज को टैकल करें, तो ये चीज़ बताने आए थे। बट सारा खेल हवा की वजह से ख़राब हो गया, वो चीज़ हो नहीं पाई।
तो जो थोड़ा सा थोड़ा बहुत था वो हम दिखा पाए आपको, और इस चीज़ को हम यहीं से छोड़ नहीं रहे, हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीक पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी आज तो हवा है नहीं तो दिखाने का कोई मतलब नहीं था, आप लोग भी सही से समझ नहीं पाते। तो बस इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बाय बाय गाइस।